देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मुंह से बाला साहब की प्रशंसा भी उसके लिए एक शब्द नहीं निकलता है। मैं अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को यह भी चुनौती देता हूं, वो कांग्रेस के नेताओं से युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की, उनकी विचारधारा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। आज 8 नवंबर है, मैं दिन गिनूंगा और महाआघाड़ी वालों से जवाब का इंतजार करूंगा कि वो सावरकर जी की प्रशंसा करते हैं कि नहीं करते हैं, बाला साहब की ठाकरे के तब की प्रशंसा करते हैं कि नहीं करते। महाराष्ट्र भी देखेगा और हम गिनेंगे, आप भी गिनना। साथियों, इस चुनाव में आपको बीजेपी और महायुति के उम्मीदवारों को विजयी बनाना है। मैं आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, महाराष्ट्र में आने वाली सरकार बड़े फैसलों के लिए काम करेगी। आप प्रभु श्रीराम की तपोभूमि नासिक से हमारे चुनाव अभियान की शुरुआत श्री प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद से जरूर सफल होगी। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।